कितना जल्दी उड़ गया गाइस। तो 5 बजे सो के हम उठे हैं, 11:30 बजे समथिंग, और हम कर रहे हैं नाश्ता। सी माय गर्ल, यो यो, ये गरबा नहीं है रे। इसको चाय बाहर रखा है, देखो इधर क्या कर रही है। हम बड़े बड़े नाश्ता करते हैं, तो खा लो, उसके बाद खा लो। तो भगवान के पेड़ बिल पढ़ने के बाद मैं यहाँ बैठी थी, और गाइस ये झाड़, इसको चुई मुई बोलते हैं, मतलब देखो ना कितना अच्छा लग रहा था। मैं इसको टच कर रहे थे और वो बंद हो गया। फिर मेरे में और मस्ती आई कि मैंने सभी पकड़ लिया और वो सब बंद हो गए, कोई नहीं। और ये देखो, ये नौटंकी, ये देखो 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 इतना बड़ा नौटंकी है ना ये। तो हम सब बस यहाँ बैठे हुए थे, नीचे गाड़ी तैयार करना है, हमारे पप्पा का लास्ट है। सो फटाफट चप्पल पहनते हैं। सो डैड, पप्पा जा रहे हैं। अभी बारिश आ रहा है। थैंक गाइस, आज पापा का लास्ट डे है, तो ये लास्ट सभी फ्रेंड्स साथ में मिलके हाउसी खेल रहे थे, और ये हमारे पापा की लास्ट आरती। यू कैन नॉट से लास्ट आरती, बट यू कैन से द थर्ड लास्ट आरती। चलो गाइस, मैं जा नहीं रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हमने हमारे पापा की थर्ड लास्ट आरती करी, बिकॉज थर्ड लास्ट असली आरती मैं इसलिए बोलती हूँ गाइस क्योंकि पापा को हम जब विसर्जन करने लेके जाते हैं हम तब भी एक और आरती बोलते हैं, फिर जब घर पे आते हैं तब हम एक और आरती बोलते हैं। और ये हमारे पापा को हमने सारे घर में घुमाया, बिकॉज ये रीत होती है कि मतलब जब पापा का विसर्जन होता है, जब पापा अपने घर जा रहे होते हैं, तब हमारे सारे घर में मतलब उनको ऐसे ले जाते हैं, फिर एक जगह रख के हम सारे जन पेड़ पड़ रहे थे और सभी ने पापा को गुड बाय किया बहुत ही अच्छे। इसमें ऐसा मन तो नहीं होता है क्योंकि यार वो लास्ट डे ना बहुत ऐसा लगता है यार बस ख़त्म, कब आए वो दिन और कब चले गए। यहाँ पे हम फाइनली पापा को हमारे घर से बाहर लाए, और अब पापा अपने घर जा रहे हैं, तो हम उनकी तैयारी कर रहे हैं बस।
तो पापा को घर से बाहर लाके उनको यहाँ बिठा दिया था और हम आ गए थे ऊपर, मतलब मैं स्पेशली, बिकॉज हमें एक कॉटन लेना था और पापा के यहाँ डेकोरेट करना था क्योंकि वो वैसे ही अच्छे दिख रहे थे, इसलिए तो हमने सब मिलके ये डेकोरेट किया, पापा को रेडी किया और यहाँ पे स्पीकर लगा था क्योंकि हम डांस करने वाले थे गाइस। तो ये हमारे पापा रेडी हो गए थे हमारे घर से अपने घर जाने और नेक्स्ट ईयर जल्दी आने के लिए। सो यहाँ हम इन्जॉय कर रहे थे और वो राहुल पीछे खड़ा है गाइस, वो क्या बोलते, वो फूटता है ना ऊपर, तो वो ट्राई कर रहा था बट वो फूटा नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा फोड़ दिया हाथ से और वो उड़ा दिया, यू कैन सी दैट। नो गाइस, जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो ऐसी हरकतें हम करते ही रहते हैं, सी एक नहीं दूसरा भी सही। तो सब रेडी करने के बाद यहाँ पे हमारा डांस शुरू हो गया। मुझे ना ऐसे कलर फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत अच्छे लगते हैं। से नॉइस पोल्यूशन नहीं कह सकते हो, एयर पोल्यूशन जरूर कह सकते हो, बट ठीक है यार, फेस्टिवल है, साल में एक ही बार आता है, तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया था इसके साथ। ये सॉन्ग और इसका स्टेप जो है वो सभी का फेवरेट है जब से ये गाना रिलीज हुआ है गाइस। आपने सुन ही लिया है, सभी जन इस पे वाइब कर रहे हैं। That's how we all went crazy guys, जब भी हमारा म्यूजिक लगता है। तो गाइस डांस करके गरबा खेल के सभी हो गया था और अब टाइम था हमारे पापा को बाय बाय करने का। Yeah.
हमने बहुत सारे फायर क्रैकर्स क्रैक किए, बहुत सारे कलरफुल वाले भी फ्राई क्रैकर्स थे। तो कैसा हमने मतलब घर के यहाँ ही स्पीकर लगाया था जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, और फिर बिल्डिंग के पीछे एक्चुअली विसर्जन का प्लेस था तो हम लोग बहुत लेट तक प्ले किए एंड देन वी वेंट फॉर विसर्जन। ये विसर्जन वर्ड बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। गणपति बाप्पा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट वॉज थर्ड लास्ट आरती, तो ये सेकेंड लास्ट आरती है। तो हमें सभी प्रिपरेशन कर रहे थे, पापा को अच्छी प्लेस मतलब रख दिए और फिर उनकी आरती स्टार्ट हुई। तो हमने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आरती ली। माता सदगुरु ज्ञानी गणपति बाप्पा मौर्या मंगल मूर्ति तो हमारी आरती हो गई थी। और ये अभी हीरो नारियल फोड़ रहा था जो कि पटाखे फोड़ किया गया। तो मेरा फेवरेट पार्ट है, मतलब देखो विसर्जन करना पापा को ऐसा छोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता, बट सभी का ही फेवरेट पार्ट रहेगा मतलब अपनी विश पापा के कान में बोलने की। तो मैंने भी अपनी विश पापा के साथ शेयर की, तो आई होप वो भी जल्दी पूरी हो जाए। और ये शंकर भगवान का मंदिर था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बिल्डिंग के पीछे ये, तो ये मंदिर है, यहीं पे हर साल ले लो एक पॉन्ड बांधते हैं जहाँ पे सभी ऐसे क्यूट क्यूट से पापा आते और उनका विसर्जन होता है। तो विच इज़ द बेस्ट थिंग कि इन लोगों ने ये क्रिएट किया, डिसाइड किया, बिकॉज यहाँ पे सिस्टमेटिकली वो लोग सब करते हैं और हमें भी अच्छे से हमारे गणपति बप्पा को विसर्जित करने का मौका मिलता है। जैसे कि आप ये वीडियो में देखेंगे कि हमने कितने प्यार से हमारे पापा को बाय बाय किया जब तक वो थे। वी वर सो हैप्पी, आगे भी हमारे साथ ऐसे ही रहेगी और नेक्स्ट ईयर भी आई होप वो जल्दी से हमारे घर पर फिर से आ जाए। और यहाँ पे हमारे पापा का फाइनल वाला बाय था, तो 1, 2 and 3 तो वी आर सिंग बाय बाय टू आवर पापा एंड ही पुट्स आवर शी लव करिया। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। टू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।